हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपनी 11th क्लास पास आउट कर ली है और फाइनली आप लोग पहुंच चुके हैं 12th क्लास में। सो बहुत ही खुशी हुई है जानकर कि सभी बच्चे अच्छे से पास हो चुके हैं और सभी 12th क्लास में पहुँच गए हैं। ठीक है, तो अब हमें जो वर्क करना है वो करना है 12th क्लास पर। ठीक है, तो अगर प्रीवियस क्लास की बात करें तो जो 11th क्लास की मैथ्स थी वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टफ लगती थी। ठीक है, कमर तोड़ दी उसने सभी बच्चों की। बट अगर बात करें 12th क्लास की मैथ्स की, तो 12th क्लास की मैथ्स होने वाली है बड़ी ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा इजी। ओके, अब आप लोग कहेंगे सर आप तो हर क्लास में यही कहते हो कि इस क्लास की मैथ बहुत ईजी है, इस क्लास की बहुत ईजी है। तो बेटा एक चीज़ दिमाग में अच्छे से डाल लो कि जिस सब्जेक्ट को हम इजी समझते हैं वो हमारे लिए इजी बन जाता है। ओके, सो अगर बेसिकली हम लोग बात करें तो 12th की मैथ्स रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट ये इजी तभी बनेगी जब आप इसको ध्यान से समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा वर्ल्ड एजुकेशन अकेडमी के साथ, और ताकि आप अपना रिजल्ट गेन कर सकते हैं बिल्कुल 100%। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी 12th की मैथमेटिक्स की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। सो बेसिकली आज हम लोग करने वाले हैं अपना इसमें चैप्टर 1, 12th क्लास की मैथ्स के चैप्टर 1 का ओवरव्यू इंट्रोडक्शन। ओके, जिसमें हम आज इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और साथ में इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ओके, ताकि हमें पता लग सके कि भाई इस चैप्टर में हमें आखिरकार करना क्या है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे तभी हम इसके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एवरीवन, सबसे पहले जानते हैं हम लोग हमारी सबसे बेसिक पॉइंट सेट। ओके, अब आप कहेंगे सर ये तो 11th का कॉन्सेप्ट है, क्या पढ़ाने की जरूरत है, पढ़ तो रखा है। ये सेट क्या होता है? सेट तो एक कलेक्शन होती है। ओके, बट नहीं, हमें इसे डीपली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जानते हैं सबसे पहले सेट आखिर होता क्या है। तो अगर हम सेट के बारे में बात करें तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और द एलिमेंट्स। क्या बोला गया है यहाँ पर, बड़े ध्यान से समझना कि सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है भाई? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ओके, और एलिमेंट्स का। यानी कि सेट की अगर बेसिकली हम लोग बात करें तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी एलिमेंट की जब आप कलेक्शन करते हो तो क्या बनता है? सेट बनता है। बट वो जो सेट बनना चाहिए ना, वो किस ऑब्जेक्ट का होना चाहिए? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। अब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? लाइक मान लो मैंने आपको बोला कि भाई सेट बनाओ इंग्लिश अल्फाबेट का। ओके, तो अगर वो सेट मैं बनाऊंगा इंग्लिश अल्फाबेट का तो क्या होगा? ए बी सी डी एंड जेड। ओके, इसी तरह से बनेगा। सेम उस तरीके से अगर मैं आपको बोलूंगा अल्फाबेट का सेट बनाने का तो आप भी वही बनाएंगे, ए बी सी डी डैश 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 एंड जेड। ओके, सो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वेल डिफाइंड है, मतलब ये सबके लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं किया जा सकता। आप अल्फाबेट का सेट बनाओगे तो भी ए बी सी डी आएगी, अगर मैं अल्फाबेट का सेट बनाऊंगा तो भी ए बी सी डी ही आएगी। तो सेट किसे बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। पर वहीं अगर बात करें हमारे फेवरेट एक्टर्स की, तो फेवरेट एक्टर्स आपके लिए कुछ और हो सकते हैं, मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं। तो मेरा सेट कुछ और होगा और आपका सेट कुछ और होगा, तो हम इसे सेट नहीं बोलेंगे। तो सेट बेसिकली क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन। किस चीज का कलेक्शन? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन या फिर एलिमेंट्स का। ठीक है, इसमें सेट हम किसी भी चीज का बना सकते हैं, सेट ऑफ सिंबल, सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ अल्फाबेट्स। ओके, किसी भी चीज का आप सेट बना सकते हैं, बस वो सेट आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। आई होप कि आपको ये प्रीवियस क्लास का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ओके, सो ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, इनको बड़े अच्छे से अब हम लोग समझते हैं। बड़े ध्यान से आपने सुनना है, बिल्कुल भी दिमाग को इधर उधर नहीं करना। अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। ओके, तो अगर हम बात करें हमारे ऑर्डर्ड पेयर की, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो ऑर्डर्ड पेयर, अ पेयर ऑफ द एलिमेंट लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर सेपरेटेड बाय द कॉमा एंड एनक्लोजिंग विद इन द पेरेंटीज इज कॉल्ड अ ऑर्डर्ड पेयर। एग्जाम्पल, ए एंड बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर विद ए एज द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज द सेकेंड एलिमेंट। ओके, जो ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं? हमारे दो एलिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, हमें दो एलिमेंट दिए जाते हैं। एक हमें एलिमेंट दिया हुआ है ए, वेयर हमें एक एलिमेंट दिया हुआ है बी। ए एंड बी हमें दो एलिमेंट दिए हुए हैं। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? ए एंड बी हमारा एक, लाइक दिस, ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ठीक है, इसे एक सेपरेट करा जाता है इसे कोमा के थ्रू। मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसे कोमा के थ्रू हमने क्या करा, सेपरेट कर दिया है दूसरे एलिमेंट के साथ। ओके, और इसको एनक्लोज कर दिया है एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक
ठीक है। तो ये जो हमारे पास बन गया, ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया है। जैसे आपने देखा था ना, हम लोग क्या कहते हैं 10th क्लास में वो बनाया करते थे, ग्राफ बनाया करते थे। तो हमारे पास एक एक्स की वैल्यू होती थी और एक वाई की वैल्यू होती थी, और ये हमारे पास एक पेयर तैयार हो जाता था। इस पेयर को फिर हम ग्राफ पे शो किया करते थे। सेम उसी तरीके से हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नॉर्मल ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, टू एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम सेपरेट करते हैं कॉमा के थ्रू, और एक उसको ब्रैकेट के अंदर सजा देते हैं। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने कुछ इधर उधर की बातें नहीं समझनी। सिंपल से सिंपल बस क्या समझना है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर दो एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है किसके थ्रू, कॉमा के थ्रू, और इसे अनक्लोज कर दिया जाता है एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको एक्स और वाई और ए एंड बी मैंने दे दिया है। आगे बात समझ में, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है, आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाने होते हैं। लाइक आपको क्या दिया जाएगा, एक सेट ऑफ ए दिया जाएगा और एक सेट बी दिया जाएगा, दोनों से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना होता है। क्या होता है, जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक आपको एक सेट ए दिया जाएगा, ये एक सेट ए है, ए के अंदर कुछ आपको एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है, ये सेट आपका बी है। ठीक है, और बी के अंदर आपको कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। ओके, अब आप क्या करेंगे, जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, ए और बी की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए और बी के ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ओके, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये सारे के सारे इस मतलब फर्स्ट एलिमेंट का इसके सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाया जाएगा। देन सेकेंड का फिर सबके साथ बनाया जाएगा। देन थर्ड का फिर सबके साथ बनाया जाएगा। अब आप कहोगे सर कुछ भी समझ नहीं आया आपने क्या बोला, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो जरा थोड़ी सी शांति रखिए, अब हम इसको देखते हैं एक बढ़िया सा एग्जांपल के थ्रू, तभी हमें इसको ज्यादा क्लियर होगा अच्छे से। सो ये देखो आपके सामने एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है, देखिए एक सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3, एंड एक सेट आपको दिया हुआ है डी 4 एंड 5। तो आपको इसका क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इसके ऑर्डर पेयर निकालने हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि सेट ऑफ ए मल्टीप्लाई सेट ऑफ बी। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हमें सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स जो गिवन है वो क्या है, सेट ए में हमें एलिमेंट्स गिवन है, उनको हम एक बार लिख लेते हैं 1 2 3, 1 2 एंड 3। एंड सेट बी में हमें एलिमेंट्स कौन से गिवन है, 4 एंड 5। ओके, तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो सिंपली हमें करना क्या है, ए क्रॉस बी निकालना है, और ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऑर्डर पेयर बनाने स्टार्ट कर देंगे। और ऑर्डर पेयर किस तरह से बनाए जाते हैं वो देखिए, ये जो फर्स्ट एलिमेंट आप इसका देख रहे हैं ना, ये जो आप इसका फर्स्ट एलिमेंट देख रहे हैं, इसका पहले आप इसके साथ एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, देन इसके साथ बनाएंगे। मतलब बी सेट में जितने भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं सबका आप सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट के साथ आप उसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। मतलब पहले 1 का 4 के साथ बनाएंगे, देन आप 1 का 5 के साथ बनाएंगे, ये आपका 1 के साथ सारे ऑर्डर पेयर बन गए। अब बारी है 2 की, सेम आपको 2 के साथ भी कुछ ऐसे ही करना है। 2 का 4 के साथ बनाएंगे, टू का 4 के साथ बनाएंगे, देन 2 का 5 के साथ बनाएंगे। सेम उसी तरीके से 3 का आप 4 के साथ बनाएंगे, एंड 3 का आप 5 के साथ बनाएंगे। ओके, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आपने देखा कुछ इस तरीके से हमने क्या बनाया, ऑर्डर पेयर बना लिए। ओके, तो ये आपका क्या निकल कर आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल कर आया, यानी कि ए क्रॉस बी। सेम उस तरीके से आपको बी क्रॉस ए भी निकालने के लिए आना चाहिए। बी क्रॉस ए आएगा तो आपने क्या करना है, उल्टा करना है। 4 का 1 के, ये जो नीचे वाला देख रहे हो ना, 4 का पहले 1 के साथ बनाओ, फिर 4 का 2 के साथ बनाओ, फिर 4 का 3 के साथ बनाओ। समझ में आ गया होगा सभी को। ओके, ये कर ली ब्रैकेट मैंने तैयार करा। पहले आप 4 का 1 के साथ बनाएंगे, देन इसके बाद आप 4 का 2 के साथ बनाएंगे, देन आप इसके बाद 4 का 3 के साथ बनाएंगे। सेम अब आपको 5 का बनाना है, 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, एंड 5 का 3 के साथ। तो इस तरीके से हमने क्या करा, बी क्रॉस ए भी निकाल लिया। तो ये जो हमने निकाला है इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी। आई होप कि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सिंपली क्या होता है कि हमें दो सेट्स गिवन होते हैं जिनको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब सिंपली हमारी कहानी आ जाती है हमारे रिलेशन पर, तो उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिलेशन के बारे में।
ओके, तो रिलेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रिलेशन एक्चुअल में क्या होता है, ये रिलेशन है क्या? तो रिलेशन की हम लोग बात करें तो रिलेशन इन द मैथमेटिक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्म रिलेशन हैज बीन ड्रॉप फ्रॉम द मीनिंग ऑफ रिलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब कि जो रिलेशन का जो मतलब है ना, वो बिल्कुल जो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है ना, वही है। रिलेशन मतलब किसी से नाता रखना, यानी ऐसी चीजें जो किसी दूसरी चीज से रिलेट करती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। आपके भी रिलेशन होते हैं, आपका, आपके पेरेंट्स का आपके साथ रिलेशन, ओके, आपके पेरेंट्स का किसी अदर फैमिली मेंबर से रिलेशन, ओके। तो ये सारी चीजें ही हमारी मैथमेटिक्स में भी आती हैं। यानी मैथमेटिक्स में क्या होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक लिंक होता है, ओके। किसी भी दो क्वांटिटीज, मैथमेटिक्स में किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच में जो लिंक होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। जो कनेक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेशन कहेंगे। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि टू ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से रिलेट करते हैं ना, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशन कहते हैं। ओके, तो चलिए रिलेशन को और ज्यादा डीपली समझने का टाइम आ गया है, इसको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं रिलेशन ऑन सेट ए एंड बी। ओके, तो रिलेशन के बारे में तो आप सभी ने जान लिया कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन मैंने बता दिया है कि जब भी कोई एक चीज दूसरी चीज से रिलेट करती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। सो रिलेशन ऑन सेट ए एंड बी क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या गिवन है, रिलेशन ऑन सेट ए एंड बी, यानी कि सेट ए एंड बी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, जिसे क्या कहा गया है, रिलेशन ऑन सेट ए एंड बी कहा गया है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि ए और बी क्या है, आपको दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं। आप एम्प्टी सेट अच्छे से जानते होंगे, एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, ओके। बट यहाँ क्या बोल रखा है कि ए एंड बी क्या है, टू नॉन एम्प्टी सेट है, यानी उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आई आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बड़े ध्यान से आपने बात समझनी है, कि आपको एक सेट दिया हुआ है ए, एक सेट दिया हुआ है आपको बी, और ए और बी दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट है। यानी कि जब आप उनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे तो वो किससे रिलेट करेंगे, यानी कि जब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर्स निकालना, तो जब आप ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर्स निकालेंगे तो वो किससे रिलेट करेंगे, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स किसके अंदर आएंगे, रिलेशन के अंदर आने चाहिए। वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स किसके अंदर आने चाहिए, रिलेशन के अंदर आने चाहिए। आप समझ रहे होंगे मेरी बात में क्या आपको कहना चाह रहा हूं, कि ए और बी आपको दो नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं, ठीक है। जब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, तो वो जो ऑर्डर पेयर्स होंगे ना, वो आपके रिलेशन में भी होने चाहिए। आपको बात समझ में आई क्या बोला गया, ठीक है। अगर आपको कोई भी सेट दे रखा है, एक सेट आपको ए दिया हुआ है, वेयर आपको एक सेट बी दिया हुआ है, तो जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या होगा, आपके पास क्या निकल कर आएगा, कुछ ऑर्डर पेयर्स निकल कर आएंगे ना, ये देखिए कुछ ऑर्डर पेयर्स आ गए ना, तो ये जो ऑर्डर पेयर्स आए हैं ना, ये आपके रिलेशन में भी होने चाहिए। रिलेशन आपको ऑलवेज दिया जाएगा, रिलेशन ऑलवेज आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपने ऑर्डर पेयर्स बनाया है, ये आपके इस रिलेशन में भी होने चाहिए। जस्ट वेट, तभी आपको बोला गया कि आर इज द सबसेट। आर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का। सबसेट के बारे में तो आप जानते हैं, जब किसी चीज के एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से बिलोंग करते हैं तो उसे हम उसका सबसेट बोलते हैं। तो आर जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ओके, ये बात आपने बड़े ही अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है कि रिलेशन ऑन सेट ए एंड बी क्या होता है, और ये रिलेशन बनता कैसे है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको सेट ए दे रखा होगा, सेट बी दे रखा होगा, आप इन दोनों का क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो आपके पास कुछ सेट, आपके पास कुछ ऑर्डर पेयर्स निकलेंगे। ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं, ये रिलेट करने चाहिए आपके रिलेशन से, यानी रिलेशन के अंदर ये वाले ऑर्डर पेयर होने चाहिए। अगर एक भी ऑर्डर पेयर नहीं हुआ तो ये रिलेशन नहीं कहलाएगा। ओके, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशन ऑन अ सेट। ओके, रिलेशन ऑन अ सेट, अभी तक जो हमने देखा वो, अभी हमने ऊपर क्या देखा, अभी हमने ऊपर देखा रिलेशन ऑन सेट ए टू बी, यानी कि हमने क्या किया था, 11th क्लास में देखा था रिलेशन सेट ए और बी के बीच का, यानी हमें एक सेट ए दिया जाता था और एक बी दिया जाता था, ठीक है। हमें ए से बी का क्या देखना था, रिलेशन देखना होता,
ओके, यानी एक रोज भी हम लोग निकाला करते थे। बट अब जो 12th में हम लोग देखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, हमें दो सेट गिवन नहीं होंगे। ओके, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि हमें दो सेट गिवन नहीं होंगे, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट दिया जाएगा। हमें ए सेट दिया जाएगा और बोला जाएगा ए का ए के साथ ही रिलेशन निकालना है, ठीक है, लाइक दिस, ए क्रॉस ए ही। ओके, आपको एक सेट दिया जाएगा ए, आपको उसी के साथ ही उसका रिलेशन निकालना होगा। ओके, तो तभी इसको क्या बोला गया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसे यहाँ पर बोला गया है क्या, रिलेशन ऑन आर सेट। ओके, ध्यान से समझिए, रिलेशन ऑन आर सेट इसे इसलिए ही बोला गया है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर सेट मीन्स एक सेट की ही बात की जा रही है। ओके, अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर सेट ए गिवन है। ओके, लाइक दिस, आपको सेट ए क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। आपको सेट ए गिवन है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, एंड आपको ए का ए के साथ ही क्या करना है, रिलेशन निकालना है। सो अगर मैं बात करूं एक रोज ए की, तो मेरे पास क्या बनेगा, यहीं पर ही हम एक और ए लिख लेते हैं, एक और सेट 1 2 3 एंड 4। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा क्या निकल कर आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4। देन इसके बाद अगर आप बात करें तो अब आप 2 के साथ करेंगे सबका, 1 का आपने सबके साथ कर दिया दूसरे सेट के साथ, ये क्रॉस सेक्शन करने के बाद ध्यान रखिएगा, 1 का आपने इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी और इसके साथ और इसके साथ भी। अब 2 के साथ करेंगे तो 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। सेम अब आप करेंगे 3 के साथ, तो 3 के साथ करेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4। अब आप करेंगे 4 के साथ, तो 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। ओके, इस तरीके से आपने ऑर्डर पेयर तैयार कर लिए हैं। सो अगर अब हम लोग बात करें हमारे रिलेशन की, तो यहाँ पर हमने पहले क्रॉस रिलेशन के बीच में निकाल लिया है, हमें रिलेशन एक्चुअल में गिवन क्या है, रिलेशन हमें बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। ओके, तो पहले हम उसको देख लेते हैं कि हमें रिलेशन किस तरीके से दिया हुआ है। सो हमें रिलेशन गिवन है कुछ ये, आप ऑर्डर पेयर सही से देख नहीं रहे होंगे, बट हम यहाँ पे रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ क्या गिवन है, रिलेशन आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, रिलेशन हमें गिवन है ए माइनस बी इक्वल टू 3। ओके, मैंने पूरा नहीं लिखा है, बस आपको हिंट में लिख के दे रहा हूँ कि हमें आर क्या गिवन है, ए माइनस बी इक्वल टू में 3, यानी कि आपका फर्स्ट एलिमेंट में से अगर आप सेकंड एलिमेंट को माइनस करते हैं तो आपको ये 3 मिलेगा। ओके, ये बात ध्यान रखिए। तो आपके पास इतने सारे ऑर्डर पेयर्स, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपके पास इतने सारे ऑर्डर पेयर्स है, इसमें से क्या आपको कोई एक ऐसा ऑर्डर पेयर दिख रहा है जिसमें से आप फर्स्ट में से सेकंड वाले को माइनस करें तो आपके पास 3 आ जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 1 की, ठीक है, तो अगर आप 1 में से यानी फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा। ओके, तो इसको तो हम क्रॉस ही कर देते हैं। सेम उस तरीके से अगर आप 1 में से 2 को माइनस करते हैं तो क्या आपको लगता है कि 1 में से 2 को माइनस करने पर 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा। सेम 1 में से 3 को करने पर भी 3 नहीं मिलेगा, 1 में से 4 को करने पर भी नहीं मिलेगा। ओके, 2 में से 1 को करने पर नहीं मिलेगा, 2 में से 2 को करने पर भी नहीं मिलेगा, 2 को 3 में से करने पर भी नहीं मिलेगा, 2 को 4 में से करने पर भी नहीं मिलेगा, 3 में से 1 जाने पर भी नहीं मिलेगा, 3 में से 2 जाने पर भी नहीं मिलेगा, 3 में से 3 जाने पर भी नहीं मिलेगा, 3 में से 4 जाने पर भी नहीं मिलेगा, 4 में से 1 जाने पर मिलेगा। तो मतलब अभी तक के ये सब हमारे क्रॉस हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा एक निकल कर आया, इसको हम सर्कल कर लेते हैं। एंड इसके अलावा सेकंड और देखते हैं आगे के, तो 4 में से 2 जाने पर नहीं मिलेगा, 4 में से 3 जाने पर नहीं मिलेगा, 4 में से 4 जाने पर नहीं मिलेगा, मतलब इन सबको भी हम लोग क्रॉस कर देते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर निकल कर आया है जो आपके रिलेशन को सेटिस्फाई करे। ओके, मैंने आपको बताया था कि आपको दो सेट दिए जाएंगे। ओके, एक सेट आपको ए गिवन था, एक आपको सेट बी गिवन था। जब आपने ए क्रॉस बी निकाला तो मैंने बताया था कि ऑर्डर पेयर बनेंगे, वो जो ऑर्डर पेयर हैं वो आपके रिलेशन में होने चाहिए तभी आपका रिलेशन बनेगा। ओके,
ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी, बट यहाँ पे क्या गिवन है हमें, हमें एक ही सेट था और एक ही सेट का हमें उसी के साथ ही रिलेशन निकालना था। तो हमने ए सेट को 2 बार लिख लिया, वही ए और बी वाली कहानी थी, बिल्कुल सेम टू सेम, बस फर्क इतना है कि एक ही सेट को 2 बार लिखना है। तो एक ही सेट का दूसरे सेट उसी सेम सेट के साथ हमने क्या निकाला, ए क्रॉस ए निकाला। हमारे पास जो भी ऑर्डर पेयर आए उनको हमने उनमें से ऐसे ऑर्डर पेयर उठाए जो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करें। ओके तो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर है, 4 एंड 1। तो मैं लिखूंगा आर इज इक्वल्स टू में, आर इज इक्वल्स टू में 4, 1। तो ये मेरा रिलेशन निकल कर आ गया है, ओके रिलेशन ऑन अ सेट। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि हमें किस तरीके से इस पर वर्क करना है। बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई मुश्किल चीज नहीं है ये करना। सबने हवा बना रखा है कि हमें समझ नहीं आता है। बाय चांस अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता है, कोई भी डाउट लगता है, तो आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। ओके सो एवरीवन, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते रहेंगे हम लोग अपनी इसी तरह की न्यू वीडियोस में, एंड हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।